और तो भी सब होता है क्या आप दूसरे से अपने मन के अनुसार करने की या अपने इच्छा रखते हैं। पति चाहता है पत्नी हमारे मन के अनुसार मन हमारा हो और मशीन की तरफ पत्नी काम करे, जब नहीं करती है तो उस पर क्रोध आता है। पत्नी चाहती है कि मन मेरा हो और पति उसके अनुसार काम करे, तो मन एक का और करना दूसरे। जब हम दूसरे के ऊपर अपना मन लादना चाहते हैं और वो हमारे मन और मान्यता के अनुसार नहीं चलता है तब उसके ऊपर क्रोध आता है। तो इसमें न तो ब्रह्म दृष्टि है न आत्म दृष्टि है न ईश्वर दृष्टि है न प्रकृति दृष्टि है न प्रारब्ध दृष्टि है। माने ये क्रोध और दुख ये दोनों तो अंधे को ही आते हैं। अंधा माने आंख का अंधा नहीं अकल का अंधा, जो अपने स्वरूप को नहीं जानता है और दूसरे को दीन हीन पशु नीच बनाना चाहता है और नहीं बना पाता है तब उसको क्रोध आता है और दुखी भी कभी होता है। जब चाहता है कि हमारे मन के अनुसार सब हो तो भाई कुछ ब्रह्म दृष्टि से देख सको तो बहुत बढ़िया, आत्म दृष्टि से देखो तो बहुत बढ़िया। ईश्वर सब को देख रहा है उसी के सामने सब हो रहा है, उसको तो क्रोध आता नहीं है। तो अब ईश्वर को तो मालिक के देखते तो सब हो रहा है वो क्रोध नहीं करता है और आपके देखते जो हो रहा है उसमें आप क्रोध करते हैं। हम जिस पर नाराज नहीं होते हैं हमारा चेला उसके ऊपर नाराज हो जाता है। तो चेला और गुरु की दृष्टि अभी एक नहीं हुई, अभी चेले को गुरु की दृष्टि से दृष्टि मिलाने का ही प्रयास करना चाहिए कि उनको ईश्वर की दृष्टि। तो यदि मन काम ही क्रोध का मूल है हो कामा क्रोधो जायते, मन में यदि कामना न होगी तुम्हारे तो क्रोध आता ही क्यों, और कामना की पूर्ति न होने पर या विपरीत होने पर दुख हो जाता है। तो आप अपने स्वरूप को यदि देखते तो दुखी ही क्यों होते हैं। तो आप क्रोध को रोकने का प्रयास कीजिए। अब यदि कोई डॉक्टर कह दे कि क्रोध रोकोगे तो कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, तो क्योंकि अपने पेट को रोक रहे थे बीमारी तो होगी। इसलिए यदि क्रोध आवे तो आप आदमी पर नाराज अपने कमरे में एक सारे ग्राम की मूर्ति रखिए और जाकर उसको खूब नाराज हो जाइए कि तुमने मुझसे ऐसा क्यों कराया है। तो तुम्हारे क्रोध का असर सारे ग्राम पर तो पड़ेगा नहीं है और तुम्हारी सांस जो है वो निकल जाएगी। जहां क्रोध आने का प्रसंग हो वहां मौन हो जाओ, वहां से हट जाओ और भगवान का नाम लेने लग जाओ, भगवान का दर्शन करने के लिए चले जाओ। और क्या नाम है कि एक दुर्वान आदमी ऊपर चढ़ रखो कि जब हम हमको क्रोध आ जाएगा तो हम 3 दिन तक चाय नहीं पिएंगे, नमक नहीं खाएंगे, लेकिन भोजन नहीं छोड़ना नहीं तो भूखे को क्रोध बहुत ज्यादा ऐसा है। और जाके शीशे के सामने 5 मिनट खड़े हो जाओ कि क्रोध में हमारा चेहरा कैसा है। जो दिन भर साज श्रृंगार करते रहे हैं, जितना तेल सुरेल लगाते हैं, स्नो पाउडर लगाते हैं, अलबत्ती लगाते हैं, एक बार का क्रोध सबको बंद कर देता है। क्रोध आग है और वो जिसके दिल में लगता है उसी को भस्म करता है। एक हमारे मित्र थे, उन्होंने हमारे सामने प्रतिज्ञा की कि हम कभी दुखी नहीं होंगे। अब महाराज दुख के प्रसंग को आवे
मैं पूछो अरे तो खा गया बोले समोसे हट जाए आज से आप घर पर रहे हैं और समोसे हट जाए नहीं नहीं मैं दुख नहीं दुख का अभिमान अपने अंदर कभी नहीं रहता तो पेशु अनुद्विग्न होना कितने भी दुख के निमित्त आवे तो पेशु वो बताए ना दुख है जो दुख है जो दुख है दुख का है पेशु पेशु बार 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 दुख आते हैं हर दुख के अंत में सुख आता है और हर सुख के अंत में दुख आता है तो निमित्त तो बाहर आते रहते हैं वजह तो बाहर बनती रहती है यदि कोई कहे कि बरसात न हो तो हम सुखी गर्मी न पड़े तो हम सुखी तो सुखी ठंड न पड़े तो हम सुखी वो आदमी ऐसे न रहे तो हम सुखी सुखी ये सब बात तो निमित्त तो दुनिया में आते रहेंगे दुखाकार वृत्ति जो चित्त में होती है उसके लिए यदि भगवदाकार वृत्ति या ब्रह्माकार वृत्ति रहे या चित्त का निरोध रहे तो आप सुखी नहीं होंगे और दुख का जो अभिमान है वो तो सर्वथा दुख के निमित्त जो है वो प्राकृत है प्रकृति में आते हैं आते रहेंगे और हर में जो दुखाकार वृत्ति होती है वो मन खाली रहने के कारण है उसको ईश्वर से भले रखो उसमें दुखाकार वृत्ति नहीं आवेगी लेकिन ये जो दुख का अभिमान है कि हाय हाय मैं दुखी हूँ अरे कहाँ तो सत्यम शिवम सुख रहो और कहाँ अपने को दुखी मानते हो तो मैं दुखी हूँ ये अभिमान सर्वथा देवभूति ना समझी से ही मैं दुखी हूँ यह अभिमान आता है तो अभिमान को तो ज्ञान से मिटा देना चाहिए और दुखाकार वृत्ति को भगवदाकार वृत्ति से निकाल देना चाहिए और निमित्त जो है वो आते जाते रहे उनकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए नीचे समझदारी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए जोश में आकर अंधेपन में अपना जीवन है